ये कहानी है उस नन की जिसने अपनी बेटी को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि नाजरात को प्रे किया जो कि एक डेविल है, लेकिन अपनी बेटी एलिजा को पा ना सकी। जी हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं बात सिस्टर मैडलाइन की, जिसने अपनी बेटी एलिजा को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की पर कभी पा ना सकी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 फैक्ट्स अबाउट सिस्टर मैडलाइन उर्फ इविल नन। क्यों है सिस्टर मैडलाइन बनी इविल? क्या नाजरात ने रखी थी शर्तें? और क्यों उसने स्कूल छोड़ा और क्यों उसने शर्तें तोड़ी? यही सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। कई लोग ये नहीं जानते कि सिस्टर मैडलाइन की ट्रू एंडिंग यानी कि इविल नन 2 की ट्रू एंडिंग है दरअसल में मिराकल रेसिपी। अब मिराकल रेसिपी हमें उन म्यूटेंट चिकन्स को नॉर्मल चिकन्स में चेंज करना होता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि गमी हमेशा सिस्टर मैडलाइन के साथ क्यों रहता है, क्यों रूस्टल और मिस्टर सी नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गमी के अंदर एलिजा का डीएनए है, दैट्स वाई सिस्टर मैडलाइन उसका हमेशा ख्याल रखती है और उसको अपने साथ ले जाती है, जबकि मिस्टर सी में किसी और बच्चे का डीएनए और रूसल में किसी और। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एलिजा मरी कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कैलिप्रियंस वीडियो में इस Q&A क्वेश्चनेयर वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि एलिजा कैसे मरी। एलिजा दरअसल एक बॉम्बिंग में मारी गई। वॉरसो में वॉर चल रहा था और तभी वहाँ बहुत सारे वेपन्स फेंके जा रहे थे और पूरी वॉरसो को नष्ट किया जा रहा था, तभी एलिजा उन्हीं एक बॉम्ब में से मारी गई। और तभी उससे बचने के लिए वो पोलैंड में ही वॉरसो से कहीं और आ गई और ये नया स्कूल खोल लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। 7, 6। तो अब नेक्स्ट फैक्ट में हम लोग जानेंगे कि वो नंस कैसे मरी। अब इविल नन में अगर हम जाएंगे ग्रेवयार्ड में और अगर हम उनकी खुदाई करेंगे तो हमें मिलेंगे उनकी डेड बॉडीज। तो अभी हम चलते हैं ग्रेवयार्ड में और खोदते हैं चल के उनकी डेड बॉडीज और देखते हैं कौन कौन सी नंस दफन हैं। चलिए, हमने खोदना अब चालू कर दिया है। अब हम चलते हैं जल्दी से ग्रेवयार्ड की तरफ। ये खोदा हमने और ये निकली मदर पाई की डेड बॉडी। ये है मदर पाई जो कि उस की हेड थी, उस स्कूल की हेड। और ये है सिस्टर एल्फोंजो की डेड बॉडी। और नेक्स्ट होगी नॉट आइडेंटिफाइड डेड बॉडी और ये है हमारी सिस्टर मैडलाइन की डेड बॉडी। अगले फैक्ट में हम जानेंगे कि सिस्टर मैडलाइन कैसे मरी। अब हम और खोदते हैं, ये तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं। अगली भी खोदते हैं, ये भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं, ये भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं। हम और खोदते हैं, इसमें सिस्टर क्लैरी की डेड बॉडी नहीं, ये सिस्टर एंडा है, मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दीज आर ऑल्सो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज और ये होगी सिस्टर क्लैरी की डेड बॉडी। सिस्टर क्लैरी, दिस द लास्ट नन इन द ग्रेवयार्ड, ये लास्ट नन है इस ग्रेवयार्ड में। बस अब इतना ही, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट था कि सिस्टर मैडलाइन की डेथ हुई कैसे। दरअसल सिस्टर मैडलाइन की डेथ ऐसे हुई कि वो रॉड को जाने को बर्दाश्त ना कर सकी। अब आप सोचते होंगे कि रॉड है कौन और रॉड
सिस्टर मैडलाइन का बेटा कैसे है, हम इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट में बात करेंगे। अब आप लोग यही सोच लीजिए, जो लोग जानते हैं कि रॉड है सिस्टर मैडलाइन का बेटा, वो जोसेफ स्लेवन ने चुरा लिया और अपने साथ रहने के लिए उसको ले गया। अब सिस्टर मैडलाइन तड़पती रही कि वो कब आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अब वो मर गई और उसका जो कर्ज था वो अभी अधूरा रह गया, जो कि नाजराट ने सिस्टर लूसी पर डाल दिया, क्योंकि सिस्टर लूसी ने लीव ली हुई थी उस टाइम पर जब सिस्टर मैडलाइन को बच्चा हो गया था। तो उसी वक्त से सिस्टर लूसी घूमती है और हमें मिलती है सिस्टर मैडलाइन की डेड बॉडी और ना कि सिस्टर लूसी की किसी में भी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिए। I just wanted to bring my girl back. Dark, supreme suffering has invoked me. So here I am. My name is Nazra. You are not an exemplary woman, but you still have time to redeem yourself. I can grant your wish in human, but I will ask for something in exchange. Yes, yes, I am all yours. I won't ask you to be my wife, but you will give me 40 years of your life. I am capable if you bring Elisa back to life. Starting today, you will have to be an exemplary mother and human being. Without being able to leave this school, you will gray me hot or cold. I am capable if you bring my little girl back to life. But I must warn you that by breaking the rules, you will immediately suffer terrible misfortunes. If you are a bad mother, you will become ugly. If you don't adore me, you will lose your sanity. And if during this time you go out once, take a breath. Your offspring will know the most horrible death. I am capable. Yes, I am capable. So be it. Get on your feet. Oh, a miracle! It's a miracle! One eternity later. तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि रॉड पैदा कैसे हुआ था, आप समझ ही गए होंगे। तो मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है। तो नाउ लेट अस बिगिन टू द नेक्स्ट फैक्ट। एज यू ऑल नो, अगर हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा मास्क पूरी तरीके से बन जाता है और फिर हमें मौका मिल जाता है एपिक एस्केप करने का। तो एपिक एस्केप क्या होती है वो तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोग बहुत ही सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन एक मास्क चीज़ ये जो है ये ईवल अनटू में भी दिखती है, वो कहाँ ये अभी जानेंगे हम इसी फैक्ट में। तो ये इसको ध्यान से देखना, इस डॉल को। तो यही है वो डॉल जिसकी शक्ल हमारे मास्क से मिलती है जब वो कंप्लीट हो जाता है। ये है एलिजा की डॉल और इसी के साथ ये वाला फैक्ट भी ख़त्म होता है। और अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फैक्ट पर। तो हमारा सेकंड फैक्ट ये है कि सिस्टर मैडलाइन कैसे बनी ईविल। अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि नाजराट ने थोड़ी कंडीशंस बताई थी अगर वो रूल्स ब्रेक करेगी। तो एक बार क्या हुआ, रॉड ने एक बार कोई शैतानी कर दी तो सिस्टर मैडलाइन उस पर बहुत गुस्सा हुई, उससे उसने बात करना छोड़ दिया और तभी उसी टाइम से वो थोड़ी थोड़ी अगली दिखने लगी। उसकी आंखें लाल होती गई, उसको नींद नहीं आती थी, उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लगी और उसी वजह से वो बन गई आज जैसी दिखने वाली
evil nun. अब बढ़ते हैं और last fact and the first fact. One. अब हमारा last fact की बात करते हैं कि how did Joseph die? Yes, ये Joseph मौत भी इस evil nun से ही connected है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे मेरी रॉड सुलेवन वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि उसके कार एक्सीडेंट हो गया था और पहले वाली इवन अनवन में कार होती थी तो उसी कार में बैठी थी हमारी सिस्टर मैडलाइन जो कि अगली बन चुकी थी, और तभी उस नन वो बहुत तेजी से गायब हो गई अपनी उस ब्लैक मैजिक से, और फिर वो कभी ढूंढी ना जा सकी पुलिस के द्वारा भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करिए कि मेरी वीडियो अच्छी थी और शेयर करिए। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी।